तो लास्ट टाइम हम लोग थे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, वी के बारे में थे। और वी मैंने तुम्हें बताया था ई माइनस आई आर, ये कह रहा हूं। अब इसमें भी ना एक्चुअली में चार केस होते हैं। पहला केस, अगर करंट नॉर्मल डायरेक्शन में हो, इफ करंट इन नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है और नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर रही है, तो उस केस में फिर V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है। इसको मैं थोड़ा प्रूफ भी कर देता हूं, देखो कैसे। फॉर एग्जांपल ये बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैं थोड़ा नजदीक लगा देता हूँ इसके, ये है, मतलब ये बैटरी आ गई है, ध्यान से देखना। इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और मैंने तुमसे कहा नॉर्मल डायरेक्शन में करंट है, मतलब ऐसे फ्लो कर रही है। अब ये ए है, ये बी है, तो हमें वी निकालना है, या वी ए बी निकालना है, या वी ए माइनस वी बी निकालना है। और ये मैंने तुमसे कहा ये ई माइनस आई आर के इक्वल होगा। अब कैसे, देखो मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं, सबसे पहले मैंने ए का पोटेंशियल लिखा वी ए, फिर हायर से लोअर पे गया तो तुम्हें याद है माइनस ई लिखते थे, क्यों, ये हो गया। अब देखो मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूं, क्यों, करंट के मैं अपोजिट जा रहा हूं तो बड़ी बात हो गई, क्यों बड़ी बात हो गई, तो मैंने लिख दिया प्लस आई आर और अल्टीमेटली मैं बी पे पहुंच गया, ये वी बी आ गया। अब जरा देखना यहां से वी ए माइनस वी बी कितना आ गया, ई माइनस आई आर आ गया, बस हो गया। सोहम समझ में आया, सोहम एंड उज्जवल समझ में आई बेटा बात जो है, कि ए से बी को अगर हम गए तो बी ए माइनस बी बी कितना आ गया, ई माइनस आई आर के इक्वल हो गया। एक केस तो ये हो गया। अब चलते हैं सेकंड केस, अगर करंट उल्टी डायरेक्शन में हो, और करंट उल्टी डायरेक्शन में ना तब होती है जिसमें चार्जिंग हो रही होती है, बैटरी की चार्जिंग हो रही होती है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी। जैसे आपने देखा होगा ना इन्वर्टर में नहीं होता, जब वो चार्ज हो रहा होता है बेटा, जो है जब वो चार्ज हो रहा होता है तो उसमें करंट उल्टी डायरेक्शन में होती है, और जब तुम उससे करंट ले रहे होते हो तो नॉर्मल डायरेक्शन में करंट होती है, ये ध्यान रखना। तो उस केस में जो वी होगा वो ई प्लस आई आर होता है, ये हो गया।
इसको भी जैसे फिगर में ही देख लो, ये था और अब करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने लिखा वी ए, फिर हायर से लोअर गया तो माइनस ई, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं देखो, तो छोटी बात हो गई तो माइनस आई आर, और मैं पहुंच गया बी पे, वी बी। तो जरा यहां से चेक करना वी ए माइनस वी बी कितना आ रहा है, ई प्लस आई आर आ रहा होगा, क्यों जोशी समझ में आई बेटा तेरे बात, नहीं आई बता जब। नॉर्मल डायरेक्शन में जो वी होता है वो ई माइनस आई आर होता है, और जब करंट उल्टी डायरेक्शन में होती है तो फिर V इक्वल टू E प्लस आई आर होता है। अब चलते हैं थर्ड केस, अगर करंट जीरो हो, तुम कोई करंट नहीं ले रहे हो, तो समझ में आ रहा होगा V की वैल्यू E होगी, क्यों बताओ, लग रहा कि नहीं लग रहा बताओ जो है। नहीं, अगर करंट की वैल्यू जीरो है तो उसमें बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई हो जाएगी, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है आई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, ये कह गया, ये हो गया। और लास्ट में चलते हैं फोर्थ केस, अगर बैटरी शॉर्ट सर्किट हो, बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड, अच्छा शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है ना कि बैटरी के जो दो टर्मिनल्स हैं उनको डायरेक्टली तुमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया विदाउट एनी रेजिस्टेंस, समझ गए ना। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, ये तो कहते भी होगे ना, तुम सुनते भी होगे, अरे यार शॉर्ट सर्किट हो गया आज क्लास में, नहीं कहते तो, अभी यार आज शॉर्ट सर्किट हो गया घर में, जो है कहते कि नहीं कहते बेटा जो है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, हाँ इसका मतलब यह है कि टू एंड्स ऑफ बैटरी, टू एंड्स ऑफ बैटरी ए एंड बी डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड बाई एक कंडक्टिंग वायर, हाँ ध्यान रखना बाई एक कंडक्टिंग वायर, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी रेजिस्टेंस। अगर मैं फिगर में देखूं तो कुछ ऐसे हो गया, ये था ये ए है ये बी है, तो तुमने सीधे कनेक्ट कर दिया, बस हो गया ये हो। तो इस केस में जो V आता है वो जीरो आता है, एक बार दोबारा सुन लो, नॉर्मल करंट तो V इक्वल टू E माइनस आई आर, अपोजिट करंट तो V इक्वल टू E प्लस आई आर, कोई करंट नहीं तो V इक्वल टू E, और अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फिर V इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं, देखो तुम्हें याद है मैंने शुरू में तुम्हें बताया था जैसे ये A है बेटा, तो ये पॉइंट सारे के सारे पॉइंट A की पोटेंशियल पे होंगे, कुछ याद आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ, याद आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ। इस तरीके से अगर मैं देखूं
तो वी ए और वी बी इक्वल होंगे, इसका मतलब वी ए माइनस वी बी कितना होगा, जीरो होगा। ये गलत है, याद आ रहा ना, ए और बी सारे के सारे बाहर से अगर मैं देखूंगा तो एक उसमें होंगे कि नहीं होंगे, तो जो है ये गलत। अच्छा, इसी को मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं तुम्हें, तो और तुम्हें मजा आ जाएगा। ये बताओ कि इसमें एक करंट फ्लो तो होगा ना, ये बताओ इसमें करंट का फ्लो होगा या नहीं होगा, बताओ। आई का एक फ्लो तो होगा और वो ई अपॉन आर होगा, नहीं बताओ। आई इक्वल टू ई अपॉन आर होगा, ये आर है, यहां ध्यान रखना बेटा, जो है ये हो गया। अब ये बताओ ये करंट नॉर्मल करंट है, नहीं होता, ये नॉर्मल करंट है, इसका मतलब वी को मैं ई माइनस आई आर लिख सकता हूं, और आई की जरा ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, आई की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो तो वी की वैल्यू जीरो आ रही है या नहीं आ रही है, जरा चेक करो। अगर मैं आई की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो जरा देखना वी की वैल्यू जीरो आ रही है या नहीं आ रही है बेटा, बताओ बताओ उज्ज्वल। अगर मैं आई की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करता हूं तो वी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो आ गया, बस हो गया, समझ में आ गया। तो फाइनली हमारा रिजल्ट ये रहा, पहला केस वी इक्वल टू ई माइनस आई आर अगर नॉर्मल करंट, दूसरा वी इक्वल टू ई प्लस आई आर अगर अपोजिट करंट, तीसरा वी इक्वल टू जीरो अगर करंट जीरो, चौथा सॉरी वी इक्वल टू ई, हाँ, और वी इक्वल टू जीरो अगर शॉर्ट सर्किट। बता दो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा जी, उज्ज्वल बता बेटा जी, है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक छोटे से कंसेप्ट वाली बात भी सुन लेते हैं, वो देखो कंसेप्ट क्या है। जैसे ये एक बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये ए है, ये बी है, इसको सी कह देता हूं, इसको डी कह देता हूं, और ये ई कॉमा आर है, और ये कैपिटल आर है। यहां पे जो कैपिटल आर है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो इस सर्किट में जो करंट होगी आई, वो तुम्हें लग रहा होगा ना ई अपॉन आर प्लस आर होगी, एक तो ये लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये लग रहा होगा ना, आई इक्वल टू ये हो गया। और जरा इसी को थोड़ा सिंपलीफाई करके देखना बेटा, ई माइनस आई आर जरा चेक करके देखो, ई माइनस आई आर वो आई इंटू आर आ रहा है या नहीं आ रहा, जरा चेक करो।
ये भी आ रहा होगा। अब सुनो, E माइनस आई आर को मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी कह दूं, बताओ। E माइनस आई आर को मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी कह दूं कि नहीं कह दूं, बताओ। जो है ये हो गया V A B, और आई आर को मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस कह दूं, ये बताओ। आई इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस कह दूं, I इंटू कैपिटल आर बेटा जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो ये वी सी डी हो गया ना। इसका मतलब एक तरीके से ये हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। सोहम बता बेटा जो है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। और वैसे भी एक सिंपल सी बात है ना, इसमें इतना सोचना क्या है, तुम सोच में पड़ गए जो है। तुम एक बात बताओ, ये ए का जो पोटेंशियल है ये सी के पोटेंशियल के इक्वल है कि नहीं है, बताओ। जो है तुम एक बात बताओ, वी ए और वी सी इक्वल है या नहीं है, बताओ बेटा। जो है वी और वी सी इक्वल है, और इधर जो बी का पोटेंशियल है वो डी के पोटेंशियल के इक्वल है। क्यों? बी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल इक्वल है, तो इसका मतलब वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी और वी सी माइनस वी डी वैसे भी इक्वल होने चाहिए। क्यों? वी ए माइनस वी बी और वी सी माइनस वी डी वैसे भी इक्वल होने चाहिए, या कह लो वी ए बी और वी सी डी ये इक्वल होने चाहिए। समझ में आया बेटा नहीं आया, बताओ। जो है ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, करंट इसके इक्वल होगी, तो यहां से E माइनस आई आर की वैल्यू I इंटू कैपिटल आर के इक्वल होगी। इसका मतलब वी ए बी और वी सी डी इक्वल होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो इक्वल होगा, और वो लॉजिकल भी लग रहा होगा बिकॉज ए और सी का पोटेंशियल सेम होगा, बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा, सी डी के अक्रॉस होगा। ये कह, बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोलो, इसमें कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर चलता हूं अगले उसमें। अब चलते हैं अगले उसमें, अब एग्जाम्पल्स करते हैं पहले इस पे। एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है और एक बैटरी ये है। थोड़ा कलर अलग कर देता हूँ। ये B1 बैटरी है, 10 वोल्ट की है और 2 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक ये B2 बैटरी है, 6 वोल्ट की है और 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है।
एक ये B3 बैटरी है 12 वोल्ट की और 2 ओम इसका इंटरेस्टेंस है, और एक ये B4 बैटरी है 4 वोल्ट की और 2 ओम इसका इंटरेस्टेंस है, और ये 4 ओम का एक रेजिस्टेंस बाहर है, तो तुम्हें V निकालना है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस ऑल बैटरीज। फिगर को जरा अच्छी तरीके से देख लो क्या है। देख लो, सबसे पहले सिंपल वाले से चलते हैं। ये बताओ अक्रॉस B1 कितना होना चाहिए, बताओ जरा दिमाग लगाओ। इंटेलिजेंट है बेटा तू। अक्रॉस E1 जो V की वैल्यू होनी चाहिए वो E के इक्वल होनी चाहिए, इसका मतलब वो 10 वोल्ट होगा, और उसके पीछे रीजन ये दोगे कि ये ओपन है। देखो इधर इधर से ये ओपन है, तो ये बैटरी करंट नहीं देगी, समझ गए ना, ये बैटरी करंट नहीं देगी, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा, सॉरी ईएमएफ के इक्वल होगा। अब जरा बताओ अक्रॉस B2 कितना होना चाहिए, जरा बताओ। इंटेलिजेंट होगा बेटा तुम लोग। वी की वैल्यू 0 होगी बिकॉज ये शॉर्ट सर्किट है, क्यों शॉर्ट सर्किट। आई थिंक यहां तक भी मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट में आते हैं इस वाले लूप में, देखो ये एक सिंगल लूप है, ध्यान रखना, ये है सिंगल लूप। तो इसमें जो करंट होगी वो नॉर्मल निकल जाएगी, लेकिन थोड़ा बैटरी देख लेते हैं कि किस नेचर की है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्टिव नेचर की बैटरीज है ना, क्यों याद आ रहा बेटा ऐसे कैसे निकालते थे, जो है पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सब्ट्रैक्टिव नेचर की बैटरीज हैं। इसका मतलब ये बैटरी डोमिनेट करेगी, क्यों नहीं है, ये वाली बैटरी डोमिनेट करेगी और अपने हिसाब से करंट देगी, नहीं है ये अपने हिसाब से करंट देगी, तो ये ऐसे करंट का फ्लो होगा, ये करंट का फ्लो हो गया, और इसमें करंट कितनी हो गई 12 माइनस 4, ये तो ईएमएफ हो गया, क्यों 12 माइनस 4 तो ईएमएफ हो गया, और रेजिस्टेंस कितना हो गया देखो 2 प्लस 2 प्लस 4, इसका मतलब 1 एम्पियर की करंट हो गई। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा, जो है समझ गया ना, 1 एम्पियर की करंट हो गई। अब मेरे को बताओ कि B3 में, कार्तिक आ गया बेटा, ये बताओ B3 में नॉर्मल करंट है या अपोजिट करंट है, पहले ये बताओ B3 में नॉर्मल करंट है या अपोजिट करंट है बेटा, जो है गुड मॉर्निंग, नॉर्मल करंट है ना, B3 में नॉर्मल करंट है, इसका मतलब B3 में, अब इससे ज्यादा मैं कहीं लिख नहीं सकता, अब दूसरा मेरे को स्लाइड लेनी ही पड़ेगी। अब इससे तुम्हें लग रहा होगा ना मैं एग्जाम में पुर्ची कितनी बढ़िया बनाता हूँ, तुम्हें लग रहा कि नहीं लग रहा, इससे बताओ जो है कि मैं एग्जाम में पुर्ची मास्टर कितना बढ़िया रहूंगा बेटा, जो है यहां से तुम्हें लग रहा होगा जो है, ठीक है। तो अब B3 में ये बताओ कि B3 में नॉर्मल करंट है, इसका मतलब V की वैल्यू E-IR हो गई। अब यहां पे E था 12, I था 1
और R था 2, तो इसका मतलब 10 वोल्ट आ गया। क्यों बता दो, ये समझ में आई बेटा? नहीं आई बात बताओ बेटा। जो है ये आ गया 10 वोल्ट। और लास्ट में चलते हैं B4 में। B4 में जरा देखो उल्टी करंट है बेटा। क्यों आप देखो B4 में उल्टी करंट है। हाँ चार्जिंग टाइप की हो रही है, उल्टी करंट है, तो इसका मतलब यहां पे अपोजिट करंट है। तो मैं V को क्या लिख सकता हूं बताओ? जो है E+IR लिख सकता हूं ना, E+IR। और E यहां पे हो गया 8, 8 था, 4 था, 4 था बेटा, था। प्लस करंट यहां पे है 1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2, तो ये हो गया 6 वोल्ट। इतना हो गया, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। जोशी समझ में आई बेटा? ताले बात नहीं आई बता। चले बात समझ में आई कि नहीं आई बता? जो है कि अगर नॉर्मल करंट तो V इक्वल टू E-IR, अगर अपोजिट करंट तो V इक्वल टू E+IR, अगर नो करंट तो V इक्वल टू E, और अगर शॉर्ट सर्किट, अगर शॉर्ट सर्किट तो फिर V इक्वल टू 0। और इस वाले एग्जाम्पल में मैंने चारों टाइप की बैटरी ले ली है, नहीं है इस वाले एग्जाम्पल में चारों बैटरी ले ली, बस ये कर। एक और एग्जाम्पल देखो, ये बैटरी है E, R, और ये कैपिटल R है। तो यहां पे I इक्वल टू हमने बोला था E/R+R और V इक्वल टू E-IR, ये बोला था। क्यों? ये दो इक्वेशन ली थी ना हमने, V इक्वल टू E-IR। और बाय द वे ये जो V है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी भी है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आ जाता है ना, ये भी आ जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और ये IR भी आ जाता है। इसमें बताओ कोई डाउट तो नहीं है ना, यहां तक की इक्वेशन में कोई डाउट तो नहीं है कि I इक्वल टू E/R+R और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V इक्वल टू E-IR और ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R भी आ जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, कुछ ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम होती है। जैसे मुझे ये बताओ कि अगर मैं I वर्सेस कैपिटल R ग्राफ ड्रॉ करूं, तो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है कि किस टाइप का ग्राफ होना चाहिए? बताओ आई वर्सेस कैपिटल आर अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो तुम्हें किस टाइप का ग्राफ लग रहा है बताओ? गुड, एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का। और वैसे एक चीज बताऊं तुम्हें कि इसकी जो रेंज है ना, रेंज, इसकी रेंज, जीरो से इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है ना। ये तो इसकी रेंज तुम्हें लग रहा है जीरो से इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है कैपिटल आर की। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि जब तुम कैपिटल आर को जीरो रखोगे, जब तुम कैपिटल आर को जीरो रखोगे तो आई की वैल्यू E/R होगी और ये मैक्सिमम होगी। ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्यों बताओ? क्लियर है कि नहीं बताओ? जो है जब तुम आर को जीरो रखोगे तो आई की वैल्यू E/R होगी और मैक्सिमम होगी। और एक चीज और बताओ,
अगर तुम आर को टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे, हाँ आर को टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे तो आई की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो आएगी कि नहीं आएगी बताओ। जो है आई की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो होगी, इसका मतलब ये ऐसे ग्राफ बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी ई अपॉन आर, ये कह रहे। इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बताओ इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा जो है कार्तिक है। अच्छा तुम लोगों ने टेस्ट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और तुम्हें मालूम है उसने जो है ईशान ने 45 आउट ऑफ 45 स्कोर किया है। गुड, 45 आउट ऑफ 45 किया, बट बाकी बच्चों ने भी, हाँ बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया है। तो क्योंकि ये कंपटीशन का पेपर है, कोई बोर्ड का पेपर नहीं होता बेटा जो है। और अगली बार के टेस्ट में अब एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा आएगा, ठीक है? अगली बार के सिलेबस में याद रखना, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पूरा आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पूरा आएगा। और अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े बढ़ जाएंगे क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस देने के लिए ज्यादा होंगे, ठीक है? तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब तुम्हारे बढ़ जाएंगे। और मैंने तुम्हें कई बार बोला हुआ कि कम टेस्ट लिखो, लेकिन जो भी टेस्ट लिखते हो उसको पूरी तैयारी के साथ दो। उज्जवल समझ में आ रहा बेटा जो है? तुम्हारे लिए थोड़ा सा खैर वो है कि बाद बाद में टेस्ट ज्यादा करोगे तुम लोग, बट वैसे मैंने कहा कि जो भी आप टेस्ट देते हो पूरी तैयारी के साथ दो बेटा, हाफ हार्टेड नहीं करोगे, कोई भी चीज हाफ हार्टेड मत करना, ठीक है? तो अगली बार का सिलेबस हमारा दोनों चीज रहेंगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पूरा, ये कह। तो मेरे ख्याल से ग्राफ तो क्लियर होगा ना, इस ग्राफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं दूसरे ग्राफ में। अगर मैं V वर्सेस I ग्राफ ड्रॉ करूं तो बताओ तुम्हें कैसा ग्राफ लग रहा है? बताओ V वर्सेस I ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा लग रहा है बेटा जी, बताओ। इक्वेशन तुम्हारे सामने, हाँ बिल्कुल सही कहा, V वर्सेस I तुम देखोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, क्यों? ये तुम्हें दिख रही होगी स्ट्रेट लाइन, और इसका जो इंटरसेप्ट है वो प्लस ई दिख रहा होगा, क्यों? इसका इंटरसेप्ट तुम्हें दिख रहा होगा प्लस ई, और स्लोप दिख रहा होगा माइनस आर, क्यों? इंटरसेप्ट तो तुम्हें दिख रहा होगा ई, और स्लोप दिख रहा होगा माइनस आर, मेरे ख्याल से क्लियर होगा ना। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, देखो अब इंटरेस्टिंग बात देखो, इस जगह पे तुम्हें लग रहा है कि यहां पे आई की वैल्यू जीरो है, क्यों? ये समझ में आ रहा है बेटा, यहां पे आई की वैल्यू जीरो है तुम्हें लग रहा होगा, क्यों? आई की वैल्यू जीरो है, तो जब I की वैल्यू जीरो होती है तो V की वैल्यू E के इक्वल होती है, होती है या नहीं होती है बताओ बेटा जो है। जब I की वैल्यू जीरो होती है तो V इक्वल टू क्या होता है, E होता है। और जरा इसमें रख के भी देखो, इसमें I को जीरो पुट करके देखना, पुट I इक्वल टू जीरो, तो V इक्वल टू E तुम्हें दिख रहा होगा, क्यों? ये हो गया। और एक बात बताओ, इस जगह पे तुम्हें लग रहा है V की वैल्यू जीरो है, ये बताओ इस जगह पे तुम्हें लग रहा है V की वैल्यू जीरो है बेटा जो है, यहां पे V की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट का केस है। और एक बात बताओ, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें करंट की वैल्यू कितनी होती है, जरा बताओ? E बाई आर होती है,
याद करो, जिस टाइम पे शॉर्ट सर्किट होता है उसमें करंट की वैल्यू ई वाई आर आती है कि नहीं आती बेटा, बताओ जो है। अब इस इक्वेशन में रख के देख लो, इस इक्वेशन में वी को जीरो पुट करके देखो, पुट वी इक्वल टू जीरो, तो जरा देखना आई की वैल्यू कितनी आ रही है, बताओ जो है, ई बाई आर, ये आ रही है, बस हो गया। तो ये दो ग्राफ और देख लेना, यहां से थोड़े और कंसेप्ट मिले, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम है कार्तिकेय सोहम उज्जवल, बता बेटा उज्जवल। और इस स्लाइड को देख के तुझे क्या आइडिया लग रहा है, बता उज्जवल, इस स्लाइड को देख के तुझे क्या अच्छा क्या लगा बता, कि सर फिजिक्स के टीचर पता नहीं कैसे हों लेकिन पुर्ची मास्टर बहुत अच्छे रहे होंगे, अपने टाइम पे जो है बड़े अच्छे पुर्ची मास्टर रहे होंगे, ये तेरे को आइडिया लग गया होगा। देख एक स्लाइड में हमने कितनी चीजें कर दी बेटा, जो है एग्जाम्पल भी कर दिया, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया, ये कर दिया। ठीक, अब चलते हैं अगली बात। बस उज्जवल बेटा ऐसी चलती है जिंदगी, समझ गए ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और कुछ नहीं है, माया जाल है, तू इन चक्करों में ना पड़ बेटा, वो ज्यादा बढ़िया है। अब चलते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब ये सांसारिकता की जो चीजें हैं, समझ गया ना, सांसारिकता की जो चीजें हैं, तेरे तो नजदीक पहाड़ भी है, तू पहाड़ में जा, कुछ कुछ नहीं करना वहां पे, अपना आराम से जो है पहाड़ में अपना वो कर, कहाँ ये पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में पड़ गया जो है। सेल्स का मतलब बैटरीज भी, हाँ सबसे बढ़िया काम है बेटा, बाबा बन जाओ आजकल, सही में बता रहा हूँ, तुम चक्करों में भक्त आएंगे, अपना पैर भी दबाएंगे हैं, तुम्हें वो भी देखे जाएंगे, हाँ सबसे कहाँ पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में पड़ रहा है, मेडिकल करेगा 4 साल, मेडिकल करेगा 5 साल, मेडिकल करेगा, ठीक है, अपना शाम को जो है एक दो गंदी कोल्ड ड्रिंक लगाना, समझ गए ना, अंदर कमरे में जाके गंदी वाली कोल्ड ड्रिंक पीना बेटा जो है, और बाहर आके फिर वो देना शुरू कर देना, उपदेश देना शुरू कर देना कि ये सब मोह माया है, सब कुछ है, अपना खूब वो करना बेटा जो है, समझ गए ना, अपना सारी टेक्नोलॉजी का यूज करना, और बाकी लोगों को बोलना बढ़िया, तू बिल्कुल ए क्लास का वो बन जाएगा बेटा जो है, तुझे कुछ नहीं करना है, खाली 4 साल एमबीबीएस करेगा, हाँ, खाली तू 4 साल, पहले 5 साल एमबीबीएस करेगा, फिर एमडी करेगा, इसके लिए पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, वो 2 साल में ही तेरा काम चल जाएगा जो है, समझ गए ना, 2 साल में तू बन जाएगा बढ़िया बेटा जो है। अरे हाँ, सुबह सुबह वॉक करता हूँ ना मैं पार्क में बेटा जो है, तो मैं देखता हूँ कई लोग लगाए रहते हैं जो है उसके जो है कि ये करना चाहिए, मोह माया त्यागनी चाहिए, ये करना चाहिए, तुम ऐसे हो, ये ऐसे हो, और तूने देखा होगा जो बाबा होते हैं बड़े बड़े, पूरे लग्जरियस उसमें रहते हैं जो है, नहीं है, तुमसे कहते रहेंगे मोह माया त्यागो और ये करो वो करो, और अपने उसमें लग्जीरियस बिल्कुल उनके, तू वो भी देखेगा, ले कुर्सी भी इतनी बढ़िया रखी होगी, सब कुछ पूरा एसी चल रहे होंगे, बड़े बड़े एसी चल रहे होंगे, और ये चल रहे होंगे वो चल रहे होंगे, और तुमसे कहेंगे कि मोह माया त्यागो और ये करो वो करो जो है। अब चलते हैं बेटा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स या बैटरीज। सबसे पहला इसमें तीन टाइप की ग्रुपिंग हम पढ़ेंगे, सीरीज, पैरेलल, मिक्स। पैरेलल में फर्दर हम दो टाइप का पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे आइडेंटिकल बैटरीज, और एक पढ़ेंगे अन आइडेंटिकल बैटरीज। अच्छा हाँ यार उज्जवल, मैं तेरे को बताना भूल गया, और मेरा तो सही बता रहा हूं, अब जो मैं अगले कहने जा रहा हूं ना तुमसे जो है,
इसको तुम बाइट बना के तुम डाल देना कहीं, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं उसको, मैं वीडियो बनाने के उसमें था, तू तो जानता ही है मैं ऐसे उसमें रहता ही हूँ। कल पता है मॉर्निंग में मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, फोन पे मतलब मैसेज आया टेलीग्राम पे। अच्छा तू तो उसमें रहा होगा ना, उसमें टेलीग्राम पे, हाँ डाला होगा तेरे को, तू तो उस टेलीग्राम पे भी होगा ना बेटा जो है, हाँ। और वो बता रहा था, देखा था ना बेटा जो है, हाँ मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें जो है, टाइम नहीं मिल पा रहा। वो तूने पढ़ा होगा कि एक बच्चे का सुबह सुबह मैसेज आया कि कोटा गया था बेटा वो जो है ना, कोटा में गया था और उसके अगल बगल चार बच्चों ने सुसाइड कर लिया है ना। एक तो इतनी गर्मी बेटा जो है, इतनी गर्मी जो है, और ऊपर से वही मैंने कहा ना कि टीचर्स नहीं होता बिल्कुल, ले साला ये कर, 10 किताब कर, तो ये भी कर वो भी कर जो है ना, ढिमका जो है ना। और उस न्यूज को बता रहा था कि वहां के जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, मतलब मैं तो कहूंगा माफिया है बेटा जो है, नहीं है वो तो माफिया है जो है, उन्होंने पता पूरा दबा दी, न्यूज दबा दी जो है पूरी, क्योंकि पैसा है, सारे मीडिया उनको जो है वो कर दिया जो है। तो खैर मेरे जितने भी थोड़े जानकार है ना मीडिया वगैरह में जितने भी हैं, हाँ मेरे जितने भी मीडिया वगैरह में जो भी जानकार हैं, मैंने कल उनको भेजा है जो है नहीं है। अब क्या कहें यार बेटा, वही असली तो पेरेंट्स भी जिम्मेदार है ना, एक्चुअल में ये सब जो चीजें होती हैं इसमें कुछ पेरेंट्स भी जिम्मेदार है। वो उंगली को खींच खींच के क्या करते हैं ना, बराबर करना चाहते हैं बेटा जो है। अरे 5 उंगलियां कभी बराबर होती है बेटा जो है, वो सोचते हैं खाली कोई छोटी उंगली है तो उसको भी खींच खींच के जो है बड़ी उंगली के बराबर कर दो जो है, नहीं है बताओ जो है, तो बहुत गलत है। मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, सही बता रहा हूँ मैं, जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं कुछ ना कुछ इस पे करूंगा जो है। तो अभी तो खैर पढ़ा देता हूँ जो है ना, अभी तुम्हें पढ़ा देता हूँ, लेकिन मेरा कल जो है, हाँ हाँ सोम एक्चुअल में क्या होता है ना, देख एक सीधी सी बात है, तू कहेगा कि सर आप भी तो कोचिंग करते हो जो है, आप भी तो वो करते हो जो है, ठीक है, मैं तो एक तरीके से तुम्हें फिजिक्स ज्ञान देता हूँ जो है, अगर देखा जाए तो मैं तुम्हें फिजिक्स का वो दे रहा हूँ बेटा जो है ना। मैं कभी भी किसी भी बच्चे को, उज्जवल मेरे साथ पिछले 1 साल से है, कभी भी तुमने देखा होगा मैं कभी किसी को प्रेशराइज नहीं करता बेटा जो है, समझ गया ना, कभी किसी को ये नहीं कहता कि तू 10 किताब पढ़, वो कर, ये कर, वो कर, फला कर, ढिमका कर, मैं तो जस्ट एक ज्ञान दे रहा हूँ जो है ना तुम्हें, एक तरीके से फिजिक्स जो मैंने पढ़ी है वो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ जो है देखा जाए तो जो है। लेकिन कभी मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम बिल्कुल जो है रात दिन एक कर दो और पूरे अपने हेल्थ को वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फना कर दो, ढिमका कर दो जो है। हाँ, जितना कर सकते हो आराम आराम से करो, और फिजिक्स लर्न कर रहे हो बस, हो गया जो है, नहीं बताओ फिजिक्स, मैं तो ज्ञान दे रहा हूँ ना एक तरीके से देखा जाए तो। चलो खैर फिर बातें ज्यादा हो जाती हैं, उज्ज्वल भी जानता है जो है। तो सुनो हम चल रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स या बैटरीज में, तो हम 3 ग्रुपिंग पढ़ेंगे, सीरीज में, पैरल में और मिक्स। पैरल में फर्दर 2 टाइप की, एक आइडेंटिकल और दूसरी अंडर आइडेंटिकल। तो सबसे पहले हम चलते हैं सीरीज में। देखते भी चलना है बेटा, सिंपल है तो ज्यादा नहीं है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना। अच्छा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है ना, जैसे बल्ब भी हो सकता है, समझ में आ रहा होगा तुम्हें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बल्ब भी हो सकता है, वो हीटर भी हो सकता है, एक्सेट्रा, हाँ कुछ भी हो सकता है, कह ये हो गया। तो हमें ये वाली करंट निकालनी है, ये करंट कितनी होगी, ये कह लो। अब इसमें एन बैटरीज हैं, और हर किसी का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये तो सिंपल है, कोई वो नहीं है। आप मेरे को एक बात बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बताओ टोटल एडिटिव है ना,
ऑल एडिटिव है या नहीं है बताओ। ये हो गया, इसका मतलब जो नेट ईएमएफ आया वो एनई आ गया, नहीं होता नेट ईएमएफ एनई आ गया। और जरा मेरे को ये बताओ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस वो तुम्हें एनआर लग रहा है? ये बताओ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हें एनआर लग रहा है? बताओ बेटा जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो कैपिटल आर दिख रहा होगा। इसका मतलब करंट की वैल्यू कितनी हो गई बताओ जो है? करंट की वैल्यू हो गई ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। इसमें बता दो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा, सिंपल है, कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। सारी की सारी बैटरीज एडिटिव हैं, नेट ईएमएफ एनी है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एनआर है और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। तो इसका मतलब जो करंट हो गई वो ई अपॉन, अरे यार तुमने, हाँ एन टाइम्स ई, करंट हो गई एन ई अपॉन एनआर अपॉन कैपिटल आर, ई हो गया। अब यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट है सुनो, अगर मैं M M फॉर मुंबई, हाँ M बैटरीज की पोलरिटी को रिवर्स कर दूं, मान लो इफ पोलरिटी ऑफ M बैटरीज, पोलरिटी ऑफ M बैटरीज, इज चेंज्ड। अब मेरे को बता सकते हो नेट ईएमएफ कितना होगा? दिमाग लगाओ, बताओ बेटा जो है। अगर मैं एम बैटरीज की पोलरिटी को रिवर्स कर दूं बेटा जो है, अगर मैं एम बैटरीज की पोलरिटी को रिवर्स कर दूं तो बताओ नेट ईएमएफ कितना आना चाहिए बेटा? बताओ, दिमाग लगाओ और बताओ कितना होना चाहिए। ज्यादातर बच्चे यही सोचते हैं, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, एन माइनस टू एम होता है बेटा जो है इनटू ई। अब तू कैसे कह दे, जैसे जो है तेरा सही कहां से, अरे हाँ मैं देखता नहीं हूं तेरा यार जो है, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में रहता हूँ। हाँ उज्जवल ने बड़ी अच्छी बात कही जो है, अभी बता रहा हूं सोहम क्यों बेटा जो है। देख मान ले 10 लड़के हैं, ठीक है 10 बॉयज हैं, बॉयज में मैं प्लस चार्ज ले लेता हूं, ध्यान से देखो प्लस ई चार्ज ले लेता हूं, तो इसका मतलब इस पे जो टोटल चार्ज हो गया प्लस 10 ही हो गया। अब ये बता कि एक लड़के को मैं लड़की बना दूं, मान लो इसको गर्ल बना दूं, अब बताओ नेट चार्ज कितने का होगा? बताओ नेट चार्ज, बताओ दिमाग लगाओ और बताओ कितने का होगा। बॉय पे मैं प्लस ई चार्ज ले रहा हूं, गर्ल पे मैं माइनस ई चार्ज ले रहा हूं, तो ये बताओ एक लड़के को अगर मैं एक लड़की बना दूं बेटा जो है, चल जादू किया और होता ना बेटा जो है, हाँ तो समझ में आ गया होगा, अब प्लस 8e रह जाएगा। क्यों? तुमने देखा जाए, अब समझ में आ गया सुबह शुभम, समझ में आया बेटा शुभम, समझ में आया ना कि तुमने केवल एक को चेंज किया, बस हो गया, समझ गया ना, एक को चेंज किया लेकिन इफेक्ट डबल का आ रहा है जो है, इफेक्ट डबल का आ रहा है, तो इसका मतलब एन माइनस टू एम इंटू ई होगा ना, क्योंकि जैसे ये हुआ ना, तुम्हें एक चीज देखो बेटा जो है, ये बैटरी थी,
अब मैंने एक बैटरी को चेंज कर दिया तो इनको मिला के जीरो आ गया ना, फिर इनको मिला के जीरो आ गया। तो जब तुम एक बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर रहे हो तो इफेक्ट डबल का आ रहा है जो है, तो ये कह रहे हैं। तो नेट ई में इतना आ गया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ बिल्कुल सही कहा, निगेटिव मार्किंग की तरह। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अभी भी एन आर रहेगा, और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये अभी भी कैपिटल आर रहेगा। इसका मतलब करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन माइनस टू एम इंटू ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर, ये कह लो। अच्छा तुम भी साले बड़े तेज होते हो जो है, लड़के लड़की का एग्जाम्पल दो तो एकदम से समझ में आती तुम्हारे बात जो है। कोई और एग्जाम्पल देता ना मैं जो है, हाँ समझ गया ना, कोई और एग्जाम्पल देता तो सोचते जो है, यहाँ पे जैसे ही दिया तो एकदम से सब सोहम और कार्तिक के सब जो है एकदम से कहने लगे हाँ सर हाँ सर, समझ में आ गया जो है। बेटा बहुत तुम जो है ना बहुत शरारती बच्चे हो, समझ गए। तो ये हो गया क्या, अरे यार एसी का रिमोट कहाँ रख दिया तुम लोगों ने। चलो अब चलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। अच्छा भगवान ने भी, मैं देख रहा था कल मैं बात कर रहा था जोशी उज्जवल, कल हम ऐसे ही बाहर आउटिंग पे गए थे ना, तुम्हारा गुरु भाई आया था तो आउटिंग पे गए थे जो है, तो मैं वही कह रहा था कि जिसने भी जो है ये संसार बनाया, यूनिवर्स जो है, उसने जो है बहुत ही यार नाइंसाफी की है हर चीज में, पता है नाइंसाफी की है जो है। जैसे क्या है कि मस्ती करने की एज और पढ़ने की एज वो तो एक रखी दी है ना, मतलब दोनों एज एक रख दी है, मतलब ना नॉर्मली क्या होता है इसी तुम्हारी एज में क्या होता है बेटा, तफरी करने का भी मन करता है और वही पढ़ने की भी एज होती है जो है, एक तो ये हो गया। वैसे क्या होता है तुमने देखा होगा ना, खाने पीने में सबसे ज्यादा मजा नहीं आता बताओ जो है, अगर तुम देखोगे टेस्टी खाना हर किसी को अच्छा लगता है ना, उज्जवल होता है कि नहीं होता बता जो है, टेस्टी खाना हर किसी को अच्छा लगता है ना, थोड़ा स्पाइसी हो ये हो तो अच्छा लगता है जो है, लेकिन उसको खाओगे तो वो अनहेल्दी हो जाता है जो है, पता लगा तुम मोटे हो गए ये हो गया जो है। अबे जबकि ऐसा बनाना चाहिए था यूनिवर्स में, ऐसा बनाना चाहिए था लॉ कि जो जितना खाएगा वो उतना हेल्दी होगा बेटा जो है, समझ गए ना, अगर खाने को टेस्टी बनाया है तो ये होना चाहिए था ना, उल्टा होना चाहिए था बेटा जो है, ले जो 10 रोटी खा रहा है जो है और खूब चाट खा रहा है ये खा रहा है वो उतना हेल्दी माना जाता है जो है, उतना हेल्दी होता है जो है, उससे हेल्थ तुम्हारी इंप्रूव होती, तब सही जस्टिस होता जो है, नहीं है देखा जाए तो वो तब सही जस्टिस होता जो है, हर चीज में वो लगा दिया बेटा जो है, दांव पेंच लगा दिए जो है। तो अब चलते हैं पैरेलल ग्रुप में। तो तुम्हें ना कुछ नहीं करना, जब तुम्हें बाबा बनोगे ना उज्जवल, हाँ सुन, जब तुम लोग बाबा बनोगे तो तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं जो तुम्हें क्लास में देता हूँ ज्ञान देता हूँ बस इसी को बोल देना है तुम्हें जो है, और कुछ नहीं करना जो है, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में पैरेलल ग्रुपिंग। मसाला लगा के, हाँ बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल सही कहा तूने, पैरेलल ग्रुपिंग में देख लेना यार ये स्पेलिंग सही लिखी कि नहीं लिखी है पैरेलल ग्रुपिंग में। इसमें मैंने तुमसे सबसे पहले कहा था आइडेंटिकल बैटरीज, ये है ये है एंड सोन करके, हाँ ध्यान रखना। और लास्ट में फिर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये ईच
ई कॉमा आर है। और तुम जानते हो मेरे को ये वाली करंट निकालनी होती है आई। अब यहां पे मैं एक रिजल्ट तुम्हें दूंगा जिसको प्रूफ हम बाद में करेंगे, ठीक है, एक रिजल्ट दूंगा जिसको प्रूफ हम बाद में करेंगे। तो यहां पे जो नेट ईएमएफ आता है वो ना ई के इक्वल ही होता है, इसको हम प्रूफ बाद में करेंगे, ध्यान रखना। नेट ईएमएफ ई के इक्वल होता है। अब कोई बता सकता है कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, बताओ, कुछ बता सकते हो बेटा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, बताओ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये हो गया ना, देखो 1/r + 1/r प्लस एंड सो ऑन, एन टाइम्स हो जाता तो ये n/r हो जाता, लेकिन लास्ट में मुझे उल्टा करना पड़ता। क्यों लास्ट में उल्टा करना पड़ता, तो वो r/n होगा। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, बताओ, ये तो 1/r + 1/r एंड सो ऑन करते, एन टाइम्स करते तो n/r आता, लास्ट में तुम उसको उल्टा करते तो r/n हो गया। और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये कैपिटल आर है, इसका मतलब करंट कितने के इक्वल होगी, तो जो है करंट हो गई ई अपॉन, देयरफॉर करंट इक्वल टू ई अपॉन r/n प्लस कैपिटल आर, ये आ गया। मेरे ख्याल से ये भी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ एक रिजल्ट मैंने दिया है जिसको हम अभी थोड़ी देर के बाद प्रूव करेंगे, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों, नेट ईएमएफ ई के इक्वल टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर अपॉन एन और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, तो करंट हो गई ई अपॉन r/n प्लस कैपिटल आर, ये गई। अब चलते हैं अनआइडेंटिकल। इसको ध्यान से देखना, हाँ इसी टाइप से, मतलब कई सारे होंगे बैटरी, और फिर यहां कहीं पे लास्ट में कैपिटल आर रहा होगा। e1 r1, e2 r2, कैपिटल आर। अब सपोज करो, मान लो इसने i1 करंट दी, इसने i2 करंट दी, और ये सब मिलके फिर i बन गई। अब मैं एक काम करता हूं, ये ए है, बी सी डी और ए, इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहा हूं, हाँ ए बी सी डी ए में केबीएल अप्लाई कर रहा हूं, ए बी सी डी ए में, फिगर दिमाग में बैठा लो, फिर मैं डायरेक्टली लिखूंगा, फिगर को अच्छी तरह से देख लो बेटा, जो है ए बी सी डी ए में, दिमाग में बैठा लो, ए बी सी डी ए में बैठ गई, दिमाग में बैठ गई फिगर, पहले बताओ दिमाग में बैठ गई फिगर। हाँ अब सुनो, सबसे पहले कैपिटल आर मिला हमें और उसमें हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो छोटी बात, क्यों, सबसे पहले तुमने देखा होगा कैपिटल आर मिला है और करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो छोटी बात, तो -IR हो गया,
आर वन मिला था, याद करो, फिर मिला था आर वन, उसमें भी हम करंट की डायरेक्शन में गए थे, तो छोटी बात, इसका मतलब माइनस आई वन आर वन। फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव गए थे हम बैटरी में, प्लस ई वन इक्वल टू जीरो। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम है? माइनस आई आर माइनस आई वन आर वन प्लस ई वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से जरा चेक करना, आई वन की जो वैल्यू होगी वो आ रही होगी ई वन अपॉन आर वन माइनस आई आर वन अपॉन आर वन। सही है? जरा देखना इक्वेशन, देखना बेटा जो है आई वन की वैल्यू, ये जरा चेक करो, ये आ रही होगी आई वन, ये आ रही है ना। अब सिमिलरली कर देता हूं मैं, अगर मैं आई टू लिखता तो वो बनता ई टू अपॉन आर टू माइनस आई आर वन अपॉन आर टू। इसके बाद लिख देता हूं एंड सो ऑन, और लास्ट में सबको ऐड कर देता हूं। तो एक बात बताओ, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री मिलके सब आई बन जाएंगे। ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू सब मिलके समेशन ई बाई आर हो जाएंगे। माइनस आई आर कॉमन हो गया, और वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू मिलके समेशन वन बाई आर हो जाएंगे, समेशन वन बाई आर। बताओ इस कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम? इस कैलकुलेशन में बताओ बेटा कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो। आई इक्वल टू समेशन ई बाई आर माइनस आई आर समेशन वन बाई आर। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, आई को इस वाले आई को लेफ्ट हैंड साइड ले जाके कॉमन ले रहा हूं, और आई की वैल्यू निकाल रहा हूं एक्चुअल में, मतलब इसमें आई है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाके कॉमन लूंगा और आई की वैल्यू निकालूंगा। तो जरा देखना यहां से आई की जो वैल्यू निकल के आएगी, आई की वैल्यू आ रही होगी समेशन ई बाई आर अपॉन, आई की वैल्यू निकाल रहा हूं, वन प्लस आर समेशन वन बाई आर। जरा चेक करना, चेक करो जरा, ये हो गया आई इक्वल टू समेशन ई बाई आर अपॉन वन प्लस आर समेशन वन बाई आर। अब मैं क्या कर रहा हूं कि समेशन वन बाई आर से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड बाय समेशन वन बाई आर। अभी लास्ट में तुम्हें राज खुलेगा ये ऐसा सब क्यों कर रहा हूं बेटा जी मैं। तो जो आई की वैल्यू आई वो समेशन ई बाई आर अपॉन समेशन वन बाई आर अपॉन आर प्लस वन अपॉन समेशन वन बाई आर। बताओ ये लास्ट में ये आया कि नहीं आया? अब मजे की बात शुरू होती है, सुनो क्या है मजे की बात, क्या है वो सुनो। इसमें से जो कैपिटल आर है
इसको मैं टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कह दूं? ये बताओ, कैपिटल आर को मैं टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल दूं बेटा? ये बताओ जो है टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और कोई बता सकता है ये क्या है? दिमाग लगाओ और बताओ ये क्या है। हाँ, ये है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये बताओ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई डाउट है किसी को? ये बताओ, उज्जवल, कार्तिकेय, सोहम, सोहम ने तो कह ही दिया। ये बताओ इसमें डाउट है कि ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है? इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है। हाँ, ये तूने अच्छा पूछा ना, ये तूने बात अच्छी पूछी। वन अपॉन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस एंड सो ऑन होता, तो इसका मतलब ये समेशन वन बाई आर होता। तो जरा बता टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता, जरा बता। वन अपॉन समेशन वन बाई आर। अब बता समझ में आया या नहीं आया, बता उज्जवल। अब बता जो है वन अपॉन टोटल इंस्टेंट वो रहा था बेटा, जो है ये हो गया। इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो नेट रेजिस्टेंस है। क्यों ये बता, इसका जो डिनोमिनेटर है वो नेट रेजिस्टेंस है कि नहीं, बता जो है। तो जो डिनोमिनेटर आया वो हो गया नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कह लो। चलो तो अगर ये टोटल रेजिस्टेंस है तो ये बता इसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, जरा बता जो है। अगर डिनोमिनेटर में टोटल रेजिस्टेंस है तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए बताओ? करंट के एक्सप्रेशन में फिर न्यूमरेटर क्या होना चाहिए बताओ? हाँ, इसका मतलब इसका जो न्यूमरेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? टोटल ईएमएफ होना चाहिए। तो तुम कह सकते हो देयर फोर जो न्यूमरेटर होना चाहिए, न्यूमरेटर होना चाहिए वो होना चाहिए नेट ईएमएफ। ये कह लो तो फाइनली जो नेट ईएमएफ का इसमें फॉर्मूला बना, मैं वो बनाना चाह रहा था एक्चुअल में। तो इसका मतलब जो ई नेट का फॉर्मूला बना वो बना समेशन समेशन ई बाई आर अपॉन समेशन वन बाई आर। ये कह लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जो है, ये कह लो। सोहम, कार्तिकेय और उज्ज्वल, बता ये समझ में आई बात नहीं आई बेटा? बताइए, इसमें कोई भी डाउट है तो बता दो, पूछ लो। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, एक बार दोबारा देख लो। चलो मैं ये कर रहा हूं, यहां से देख लो एक बार, दिमाग में दोबारा से बैठा रहा। फिगर को पहले दिमाग में बैठाओ, देखो इस फिगर को पहले दिमाग में बैठाओ। अब इसमें दिमाग लगाओ, इस स्लाइड में दिमाग लगाओ, अब इस स्लाइड में दिमाग लगाओ। उसके बाद इसमें दिमाग लगाओ, और लास्ट में यहां पर। ये अब बताओ, किसी को डाउट है तो बोलो बेटा जी, डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर इसको फिर कंटिन्यू करते हैं।
जोशी तेरे को डाउट है? जोशी कहाँ चला गया तू? मत बोल उसको, मत बोल, मत बोल। बाकी बता, उसको बोलना होता तो मैं बता देता तेरे को। बाकी बता, कोई डाउट है? सोहम कार्तिकेय बता बेटा, और किसी को उसमें कोई डाउट है? नहीं है ना, इसको याद कर लेना अच्छी तरीके से। अच्छा वैसे घंटी बजी थी कुछ, वैसे इन जनरल कोई डाउट है तो बोलो, इन जनरल कुछ डाउट है तो बोलो। और इस बार वैसे उज्जवल मैं एक काम कर रहा हूँ, जो ना तूने देखा होगा बीच में, अभी मैं जैसे इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए रिवीजन के लिए ना, अपने जो भी है कभी भी, उनके लिए पूरी ईरोडॉप की सीरीज वो कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ बेटा जो है, और मोस्ट प्रॉबली वो इस महीने में बन जाएगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, अभी जो टारगेट है, अभी कमिट नहीं करता हूँ, टारगेट जो है उसके बाद जितने भी आईटी के पेपर्स हैं उनकी वीडियो सीरीज तैयार कर लूंगा, तो मेरे लिए आराम भी हो जाएगा ना, बच्चे उसको आराम से सिस्टमेटिक वे में करेंगे। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि नीट के बच्चों के लिए, क्योंकि अभी तुम्हारे एग्जाम में टाइम है ना, अगले साल एग्जाम में टाइम है बेटा जो है, फिर मैं नीट के बच्चों के लिए अलग से, जैसे लास्ट में हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते थे ना बेटा जो है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, उस टाइप के 40-50 वीडियो बना दूंगा सारे उसके रिविजन के लिए जो है, रिविजन थ्रू प्रॉब्लम के लिए जो है। तो अगर वो बन जाएंगे तुम्हारे एग्जाम से, मैं ट्राई करूंगा कि एग्जाम से काफी पहले बन जाए, तो बस तेरे को कुछ नहीं करना, फिर उनको देखना है बस, हो गया। सोहम और उज्जवल समझ में आ गया बेटा जो है? अभी इंजिंग की सीरीज चल रही है, अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंजिंग की सीरीज कर रहा हूँ, फिर मैं तुम्हारे लिए करूंगा बेटा जो है, नीट के बच्चों के लिए करूंगा सिस्टमेटिक वे में जो है, उसको सिस्टमेटिक वे में। तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, जब कोर्स कंप्लीट हो जाए और पूरा जो है खूब जम के बेटा पढ़ के, फिर वो सीरीज को देख लेना, एक सीक्वेंस में देख लेना उसको, प्रॉपर सीक्वेंस में कर दूंगा मैं, फिर वो देखते रहना रिवीजन। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं, सुनो क्या है। देखो हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहला ये बताओ कि अगर आइडेंटिकल बैटरी होती, तो जरा देखना है ई नेट कितना आता। देखो E/R, 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 तो इसका मतलब ये हो जाता एन टाइम्स E/R अपॉन 1/R, 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 एन टाइम्स 1/R। तो जरा देखना ये ई के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, चेक करो बेटा जो है। अगर वो आइडेंटिकल बैटरीज होती तो जरा देखो ई नेट की वैल्यू हम क्या लिखते, E/R, 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 एन टाइम्स E/R, 1/R, 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 एन टाइम्स 1/R, तो ईएमएफ ई के इक्वल आ जाता। और ये अभी हमने कुछ देर पहले कहा था कि नहीं कहा था बताओ, अगर आइडेंटिकल बैटरीज होंगी तो नेट ईएमएफ ई के इक्वल होगा बेटा जो है। एक तो ये बात आ गई, दूसरी बात अगर तुम किसी बैटरी की पोलरिटी को चेंज कर दोगे, लेट पोलरिटी ऑफ ई टू, इट चेंज्ड, तो न्यूमरेटर में माइनस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब न्यूमरेटर में माइनस कर देना डिनोमिनेटर में नो इफेक्ट, नो चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ई नेट होगा
जैसे मान लो केवल तीन बैटरीज का केस ले रहा हूं, तो ये होगा ई वन अपॉन आर वन माइनस ई टू अपॉन आर टू प्लस ई थ्री अपॉन आर थ्री अपॉन, मैंने तुमसे कहा डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ये है क्या? दोनों पॉइंट समझ में आ गए या नहीं आए बेटा, बताओ जो है कि अगर आइडेंटिकल बैटरीज होंगी तो मैंने तुम्हें प्रूव कर दिया कि नेट ईएमएफ ई के इक्वल हो गया, और अगर मान लो तुमने किसी एक की पोलरिटी को चेंज कर दिया, मान लो ई टू को चेंज कर दिया, तो मैंने तुमसे कहा न्यूमरेटर में माइनस कर देना, डिनोमिनेटर में लेकिन कोई चेंज नहीं। अच्छा ये क्यों होगा, इसको मैं तुम्हें होम असाइनमेंट दे रहा हूं, करते हो नहीं वैसे तुम, मैं खाली देता हूं है ना, और तुम भी खाली जो है कुछ उसको करते हो नहीं बेटा, जो है पिछली बार दिए थे किसी ने नहीं किया जो है, तो इसका होम असाइनमेंट ये है कि जब तुम यहां पे करोगे ना बेटा, ये वाले में अगर देखोगे तो तूने वहां दिया कहां, ग्रुप में तो दिया नहीं मेरे को, वो तो भेजा नहीं बेटा जो है। हाँ तो फिर इस वाले में चेंज आ जाएगा, बताओ यहां पे चेंज आएगा कि नहीं आएगा? बेटा कुछ गवर्नमेंट है तूने देखा है ना, कुछ सरकारें ऐसी हैं जो कम काम करती हैं और हल्ला बहुत मचाती हैं कि नहीं, ये बता जो है, काम एक्स का करेगी तो ऐसा हल्ला मचाएंगे कि 10x का काम कर लिया जो है, तो ऐसी तू भी किया कर जो है, हाँ भेज दे, ऐसी तू भी किया कर जो है, थोड़ा सा काम कर और हल्ला खूब मचा जो है ना, कर दिया जो है, ऐसे हल्ला मचा तू भी जो है, ठीक। तो यहाँ पे ये बता ये चेंज होगा कि नहीं होगा, माइनस ई टू अपॉन आर टू हो जाएगा बस, हो गया। तू मेरे को पर्सनली भेज दे, तू मेरे को पर्सनली भेज देना, मैं उसको फिर वो कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया माइनस ई टू अपॉन आर टू, ये आ गया, क्या ये समझ में आई बात, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ बेटा जो है, कि यहां पे बस थोड़ा सा चेंज आएगा, वो माइनस ई टू अपॉन आर टू हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा और कुछ नहीं। अच्छा यहीं पे एक चीज और है सुनो, नोट, सीरीज में अगर मान लो ई वन और ई टू अपोजिटली कनेक्टेड हो, थैंक यू, अपोजिटली कनेक्टेड हो, तो वो बैटरी डोमिनेट करती है जिसका ई ज्यादा होता है, क्यों नहीं है बताओ, कौन सी बैटरी डोमिनेट करती है बताओ, विच बैटरी डोमिनेट्स, समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं बेटा, जो है सीरीज में अगर ई वन और ई टू मान लो अपोजिटली कनेक्टेड है, तो बताओ कौन सी बैटरी डोमिनेट करती है जिसका ईएमएफ क्या होता है, ज्यादा होता है, क्यों, ठीक, विच हैज हायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ, बताओ इसमें किसी को डाउट है तो बोलो बेटा जो है, जोशी बता बेटा जो है, इसमें किसी को डाउट है तो बता बेटा जो है, सीरीज में ये हो गया, लेकिन पैरेलल में, पैरल में तुम्हें लग रहा है कि जिसके ई बाई आर की वैल्यू ज्यादा होगी वो डोमिनेट करेगी, ये बताओ एक्सप्रेशन को देख के कार्तिक के तेरे को लग रहा है कि नहीं लग रहा, बता जो है पैरल में कौन डोमिनेट करेगा, जरा बता जो है पैरल में कौन डोमिनेट करेगा, इस एक्सप्रेशन को देख के बता कौन डोमिनेट करेगा, बता जो है जिसके कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, बता जो है जिसके ई अपॉन आर की वैल्यू ज्यादा होगी, नहीं है, हायर वैल्यू ऑफ
ई बाई आर, ये कह ले बस हो गया। तो ये ध्यान रखना कि अगर मान लो दो बैटरी सीरीज में है और अपोजिटली कनेक्टेड है तो वो बैटरी डोमिनेट करती है जिसके ई की वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन अगर दो बैटरीज पैरेलल में है और अपोजिटली कनेक्टेड है तो उसमें से वो बैटरी डोमिनेट करेगी, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, जिसके ई अपॉन आर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ये अब चलते हैं लास्ट में मिक्स ग्रुप में। मिक्स्ड ग्रुपिंग, इसमें भी बड़े कंसेप्ट निकलेंगे हाँ बेटा, ध्यान रखना। पहली बात, एन रोज है, दूसरी बात ईच रो में एम सेल, तीसरी बात ईच बैटरी ई कॉमा आर की है, चौथी बात और ईच बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, ये कह लो ये हो गया ना ऐसे। ये हो गया और लास्ट में ये हो गया फिर कैपिटल आर। फिगर समझ में आ गई, एन रो है, हर रो में एम सेल है, हर बैटरी का ईएमएफ ई कॉमा आर है और हर कोई ऐसे कनेक्टेड है। अब रिजल्ट मुझे बताते हुए चलना, हर रो में ईच रो मैं नेट ईएमएफ कितना होगा और नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। हाँ, ये होगा एम टाइम्स ई और ये होगा एम टाइम्स आर। कार्तिके समझ में आई तेरे बात बेटा, ये बता जो है कि हर रो में नेट ईएमएफ कितना होगा और नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। ये हो गया, अब ये बताओ टोटल में बताओ तब मानूंगा बेटा मैं जो है, टोटल में बताओ कि नेट ईएमएफ कितना लिखता। बताओ टोटल में बताओ नेट ईएमएफ कितना लिखो बेटा। बताओ बेटा, दिमाग लगाओ और बताओ नेट ईएमएफ कितना होगा टोटल में। अबे एम ई होगा, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, अगर आइडेंटिकल बैटरीज हो, मैंने अभी क्या बताया बता, अगर आइडेंटिकल बैटरीज हो बेटा जो है, अगर आइडेंटिकल बैटरीज हो तो ईएमएफ ई के इक्वल होता है, क्यों ईएमएफ ई के इक्वल होता है। ये हुआ, और बताओ कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हुआ, जरा बताओ 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 टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हुआ। हाँ, एम आर अपॉन एन होगा, ये तो याद आ रहा होगा ना, जैसे वहां पे मैंने आर बाई एन लिखा था बेटा जो है, वहां पे आर बाई एन लिखा था, तो यहां पे मैं कितना लिखूंगा बताओ, एम आर बाई एन करूंगा। और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये कैपिटल आर के इक्वली होगा, नहीं है कैपिटल आर के इक्वली होगा। तो फाइनली करंट कितनी आ गई जरा बताओ जो है, फाइनली करंट कितनी आ जाएगी बेटा बताओ जो है,
करंट की वैल्यू आ जाएगी एमई अपॉन एम आर अपॉन एन प्लस आर। एक बार दोबारा सुन लो, ये पहले फिगर देख लो, ये वाली स्लाइड देखो। एन रोज हैं, हर रो में एम सेल हैं, हर सेल ई कॉमा आर का है और हर कोई ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, हर कोई ऐसे कनेक्टेड है। एक तो ये फिगर होगी, दूसरा नेट ईएमएफ, एक रो की बात कर रहा हूं, नेट ईएमएफ एम ई हो गया, नेट रेजिस्टेंस एम आर हो गया। और अब अगर मैं पिछले वाले रिजल्ट को यूज करूं तो टोटल में अगर देखेंगे तो नेट ईएमएफ एम ई होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एम आर अपॉन एन होगा और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर होगा, ये भी समझ लो, और लास्ट में करंट ये हो जाएगी। अब बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोलो बेटा, कोई डाउट है तो बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्तिके, सोहम, उज्जवल, बता बेटा जो है। एक बात बता बेटा जो है, अभी कुछ देर पहले हमने देखा था पैरेलल में, अगर आर 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 ऐसे एन टाइम्स हैं तो जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आया था वो आर बाई एन आया था, ये तूने ही तो बताया था मुझे। अब यहां पे क्या है जरा बता, यहां पे क्या क्या था बेटा जो है, एम आर एम आर एम आर एंड सो ऑन, इस टाइप से एन बार है। तो अब बता टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा जरा बता, अब बता, अब समझ में आया कि नहीं आया बता जो है, अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया बेटा बता जो है। और ये एम ई वाला समझ में आया, ये बताइए एम ई वाली बात समझ में आई कि नहीं आई बता जो है। एम ई अगर हर रो में एम ई एम ई एम ई ई एम एफ है तो नेट वाला भी एम ही होगा, तो ये कह लेते हैं। अब मैं इसमें नई चीज अभी ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूं, नई चीज ऐड नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इसको टू बी कंटिन्यूड में डाल देते हैं। आज हमने क्या पढ़ा देखो, एक तो हमने वी पढ़ा था, V की वैल्यू E माइनस आई आर जब नॉर्मल करंट हो, E प्लस आई आर जब अपोजिट करंट हो, E जब करंट जीरो हो और जीरो जब शॉर्ट सर्किट हो। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्यों, ये वाला पूरा आंखों के सामने से चला गया बेटा जो है, ये बताओ जो है, ई माइनस आई आर, ई प्लस आई आर, ई और जीरो। और इस वाले केस में मैंने तुम्हें दो ग्राफ भी बताए थे अगर तुम्हें याद हो, आई वर्सेस आर, ये तो ऐसे बना था, और V वर्सेस I ये ऐसे बना था। यहां तक बताओ किसी को डाउट तो नहीं बेटा जो बताओ जो है। एक तो हमने ये V पढ़ा था, क्यों ये हुआ, उसके बाद हम आए थे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में,
एक सीरीज ग्रुपिंग पढ़ी थी, और उसमें वो याद रखना, n माइनस टू एम इंटू ई वाला कंसेप्ट याद रखना, n माइनस टू एम इंटू ई ये पढ़ा था। दूसरा एक हमने आइडेंटिकल आइडेंटिकल पैरल पढ़ा था, इसमें क्या कंसेप्ट था कि जो ई नेट होगा वो ई ही होगा, और जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो आर बाई एन होगा, ये याद रखना है। दूसरा ये पढ़ा था। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, अनआइडेंटिकल, इसमें जो ई नेट पढ़ा था वो पढ़ा था समेशन ई बाई आर अपॉन समेशन वन बाई आर। और मैंने तुम्हें एक चीज और भी बताई थी, मैंने ये बताया था कि अगर दो बैटरीज पैरेलल में हैं और अपोजिटली कनेक्टेड है तो वो डोमिनेट करती है जिनके ई बाई आर की वैल्यू ज्यादा होगी, ये किया था। और यहां पे जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आया था वो वन अपॉन समेशन वन बाई आर, ये लिखा था हमने, मित्र से याद होगा। और एक लास्ट फोर्थ पॉइंट, मिक्स्ड ग्रुपिंग किया हमने, अगर मैं एक रो की बात करूं तो वो एम ई और एम आर हो गया था, और अगर मैं टोटल की बात करूं तो फिर वो ई एम एफ तो एम ई रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस एम आर अपॉन एन आ गया था। अब बताओ यहां पे किसी को डाउट है, जो हमने पढ़ा है बताओ, उसमें किसी को डाउट तो नहीं है बेटा, ये बताओ जो है। कार्तिके, सोहम एंड उज्जवल, बताओ इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। एक रो की बात करें तो एम ई और एम आर, अगर टोटल की बात करें तो एम ई और एम आर अपॉन एन, ये हो गया। बाकी चलो नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। ओके, बाय एंड थैंक यू।